सत श्री अकाल, मैं हाँ नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे हो प्रवासी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दियां मुख खबरां दे नाल। आम आदमी पार्टी के बठिंडा दिहाती तो विधायक अमित रतन नूं रिश्वत मामले में जांच तो बाद लंघी देर रात विजिलेंस ने राजपुरा तो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो बाद विधायक नूं बठिंडा लियांदा गया। ध्यान रहे कि विधायक के पीए रिशम गर्ग नूं लंघी 16 फरवरी नूं एक सरपंच तो 4 लाख रुपए रिश्वत लैंदिया विजिलेंस ने काबू किया सी। उस समय विधायक कोटपत्ता कोलों भी लगभग 4 घंटे तक सर्किट हाउस में विजिलेंस वालों पुछगिछ की गई सी। पुछगिछ तो बाद पुलिस ने विधायक नूं सर्किट हाउस के पिछले दरवाजे राही बाहर कर दिता सी। रिश्वत मामले विच विधायक नूं क्लीन चिट दे दित्ती गई सी, जबकि विधायक ने रिशम गर्ग नूं अपना पीए मनन तो इनकार कर दिता सी। इस तो बाद रिश्वत देने वाले महिला सरपंच के पति वालों एक ऑडियो जारी की गई, जिस अनुसार रिशम गर्ग ने सर्किट हाउस विच विधायक नाल सरपंच के पति की मीटिंग करवाई। इस ऑडियो विच विधायक अमित रतन सरपंच के पति नाल सौदेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो की जांच की गई, जिस विच विधायक की आवाज़ की पुष्टि होने तो बाद उन्होंने गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के बठिंडा यानी दिहाती तो विधायक अमित रतन कोटपत्ता की विजिलेंस ब्यूरो वालों की गिरफ्तारी नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार रात नूं मंजूरी दे दित्ती सी। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक शिकायतकर्ता वालों पेश की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच तो बाद यह साबित होया कि रिकॉर्डिंग विच आवाज़ विधायक की ही सी। सूत्रां ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार रात नूं स्पष्ट किया कि बठिंडा दिहाती के विधायक नूं गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता वालों पेश किए गए सबूत यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग संबंधी शक दूर होने तो बाद ही मुख्यमंत्री ने विधायक नूं गिरफ्तार करने लिए विजिलेंस ब्यूरो नूं हरी झंडी दी है। उधर दूजे पासे विधायक कोटपत्ता की गिरफ्तारी नूं लेकर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह देर नाल कीता गया फैसला है। उन्होंने कहा कि भ्रिष्टाचार के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक नूं पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए सी। पंजाब सरकार का पहला इनवेस्ट पंजाब सम्मेलन आज मोहाली में शुरू हो गया। इस 2 दिना सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया। इस दौरान उन्होंने जलंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि सूबा सरकार पंजाब में इंडस्ट्री लगाने वालों को वधिया माहौल मुहैया करवाएगी। भगवंत मान ने देश विदेश दीयां कंपनियां नूं पंजाब विच इन्वेस्टमेंट करन दा सद्दा भी दिता। अपने संबोधन दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाबी बहुत मेहनती हैं अते पंजाब 5 नदियां वाला सूबा है। पंजाबियों ने वड्डे वड्डे नुक्ते दुनिया नूं दित्ते, जिस कारण अज पंजाबियों दा नां समूह दुनिया विच है। आम आदमी पार्टी नूं अपने इस पहले इन्वेस्ट पंजाब सम्मेलन विच पंजाब दे लई करोड़ां रुपए दे वड्डे प्रोजैक्ट मिलन दी उम्मीद है। सम्मेलन दे पहले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल मंच ते कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान अते चीफ सैकटरी पंजाब वीके जंजुआ भी मौजूद सन, जबकि पंजाब सरकार के बाकी विधायक अते उद्योगपति मंच के सामने कुर्सियां ते विराजमान सन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान अते साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने मोहाली में चल रहे इनवेस्ट पंजाब सम्मेलन लैके एक वड्डा बयान दिता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दिंदिया कहा कि वह अपने खोखले वादे रही पंजाबियों मूर्ख बनाने तो बाज आउण। सुखबीर बादल ने भगवंत मान को सलाह दी है कि वह पहला पंजाब अंदर कानून व्यवस्था को ठीक करन, इंडस्ट्रियों दिती जाण वाली बिजली सहूलत को यकीनी बनाउण अते फिर इनवेस्ट पंजाब सम्मेलन करवाउण। उन्होंने मोहाली में शुरू हुए इनवेस्ट पंजाब सम्मेलन से तंज कसदिया कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान झूठे इश्तहारा ते जनता का पैसा बर्बाद करन दा ड्रामा बंद करन। उन्हां नाल ही कहा कि पंजाब सरकार निवेशकां नूं पंजाब वल खिंचण लई सहूलतां देण दी बजाय कश्मीर तो कन्याकुमारी तक इनवेस्ट पंजाब दी सफलता दे इश्तहार देण विच ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक पत्र लिख के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं कहा कि वह कानूनी सलाह ले बिना बजट सैशन सदन की इजाजत नहीं देंदे। ध्यान रहे कि पंजाब दे राज्यपाल BL पुरोहित ने पिछले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पत्र लिख के 6 तो 7 मुद्दों ते जवाब मंगया सी, पर उन्हां दा जवाब देण दी बजाय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा सी कि पंजाब दे 3 करोड़ लोग केंद्र सरकार नूं जवाबदेह नहीं हन। राज्यपाल वालों अज मुख्यमंत्री नूं भेजी गई 2 सफ़िया की चिट्ठी विच कहा गया है कि तुहाडे वल्लों ट्वीट अते चिट्ठी राही भेजा गया जवाब गैर संविधानक भी है अते अपमानजनक भाषा वाला भी है, इसलिए कानूनी सलाह लैण तो बाद ही हुण सैशन बारे तुहाडी बेनती ते फैसला करांगा। इस तो बाद हुण राज्यपाल BL पुरोहित अते मुख्यमंत्री भगवंत मान विचकार कड़वाहट होर वधण दी संभावना है। जिक्र है कि पंजाब सरकार वल्लों 3 मार्च तो विधानसभा का इजलास सदन का फैसला किया गया है।
पंजाब दे बहु करोड़ी टेंडर घोटाले मामले विच कांग्रेस दे साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं अज वीरवार नूं वी अदालत तो कोई राहत नहीं मिल सकी है, क्योंकि पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी ते सुनवाई नूं 27 फरवरी तक मुलतवी कर दिता है। भ्रिष्टाचार दे मामले विच जेल विच बंद कांग्रेस दे साबका मंत्री भारत भूषण आशू ने जमानत लई हाई कोर्ट विच पटीशन लगाई सी, जिस ते अज 23 फरवरी नूं सुनवाई होनी सी, परंतु अज अदालत ने इस सुनवाई नूं 27 फरवरी तक मुलतवी कर दिता है, जिस दे चलदिआं भारत भूषण आशू नूं राहत नहीं मिल सकी। जिक्रयोग है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने साबका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दे खिलाफ 16 अगस्त 2022 नूं केस दर्ज कीता सी अते फिर 22 अगस्त 2022 नूं भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਾਨੰਦ ਦੀ ਮੰਗਣੀ NRI ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਾਨੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5ਵੇਂ ਆਪ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। हरियाणा विधानसभा के बजट सैशन विच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वरे 2023-24 लई गठजोड़ सरकार का 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह इस सरकार का चौथा बजट है। दसणयोग है कि हरियाणा विच वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही है। पिछले साल बजट 1,64,808 करोड़ रुपए का सी। हरियाणा सरकार ने इस साल इस बजट विच कोई नवा टैक्स नहीं लगाया, पर सेहत अते सिक्ख्या दे बजट विच वाधा कीता है। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि सूबे विच बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन नूं 2500 तों वधा के 2750 रुपए कर दिता है। इस दे नाल ही खेड दे बजट विच 11% दा वाधा कीता है। हरियाणा सरकार ने SYL नहर लई फिर 101 करोड़ रुपए का बजट रखिया ते नाल ही कहा गया कि जेकर ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो भी सरकार तैयार है। ध्यान रहे कि इसे दौरान यूथ कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के घिराओ की चेतावनी भी दी सी। फिलहाल आज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी टीवी। मैं दे इजाजत, धन्यवाद।